अपोस्टल जी, एक अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन की। इनकी 2018 में शादी हुई कहते हैं, उसके बाद में इनकी मैरिज के बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और दुष्टात्मा के अटैक एकदम से होने लगे। अच्छा, ये गवाही सुनने वाली, ध्यान से सुनो। वैसे जब अटैक हुए तो कहते कि सपने में दबाव पड़ते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई इनके शरीर को दबा रहा हो। अटैक के कारण इनको ऐसा लगता है जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा हो। और इसके बाद कहते कि इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में जब सोचा, तो मैरिज के बाद जब फरवरी 2019 में इनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई, तो कहते कि प्रेगनेंसी के कुछ महीनों बाद इन्हें ड्रीम आया और उसमें दुष्टात्मा इनके हाथ से जो है बच्चे को छीन रही थी। अब सुनो, मेडिकली अगर कहें तो बच्चा नहीं हो रहा, हर थर्ड महीने में मिसकैरेज हो रहा है, ये मेडिकली है। स्पिरिचुअली रीजन क्या है कि जैसे ही थर्ड मंथ होता था सपने में, देना माइक, कौन आता था सपने में आपके? सपने में क्या होता था? सपने में बच्चा मर जाता था। सपने में बच्चा मर जाता था, जब उठते थे तो फिर क्या होता था? ब्लीडिंग होती थी, अपने आप ब्लीडिंग शुरू होती थी। हाँ जी। और बच्चा मर जाता था। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाते थे तो बच्चे की मौत कैसी होती थी? बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती थी, वो मर जाता था फिर। हाँ उसके जी। बाद सुनो, ये हो गया मेडिकल रीजन कि हर थर्ड मंथ में जब बेबी होता था उसकी हार्ट बीट एक दिन बंद हो जाती थी। कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? 5 बार। 5 बच्चे मरे आपके? हाँ जी। और 5 बच्चे किस महीने में मरे? थर्ड मंथ में। और 5 के टाइम में आपको सेम सपना आया? हाँ जी। कि क्या सपना था वो? सपने में दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं तुझे बच्चा नहीं मिलने दूंगी, तू जाए जहाँ चली जा। और उसके बाद बच्चा मर जाता था? हाँ जी। ब्लीडिंग होती थी? हाँ जी। चेक करवाने जाते थे तो बच्चे की हार्ट बीट बंद हो जाती थी? हाँ जी। समझ आई कि नहीं? क्या हुआ उसके बाद, आप बताओ जरा। उसके बाद जब 6th time प्रेगनेंसी हुई, तो जब 6वीं बार प्रेगनेंट हुई आप? हाँ जी। हाँ। तो हमारे पड़ोसी ने बोला कि खामड़ा चर्च जाओ, वहाँ से आपको बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। फिर ये 1 month का था तो हम चर्च आए। प्रेगनेंसी 1 month की थी? हाँ जी। आप चर्च में आ गए? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस टाइम हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे। हाँ। फिर मम्मा जी मेरे ड्रीम में आए, मम्मा जी ने ब्लेस किया कि मैं आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। अपोस्टल जी, जब ये पसंद नवंबर में चर्च में आए। अच्छा, अभी आपने देखा क्या हुआ? क्योंकि 2 तरह के लोग हमें देखते हैं, एक कहते हैं कि दुष्टात्मा वुष्टात्मा पाखंड है, चलो बोलते हैं कि ठीक है तुम मत मानो। मेडिकली क्या था कि बेबी, जब एक औरत का बेबी नहीं होता, जब वो ऐसा होता है, तो मेरी लाइफ में मेरे देखे हुए केस हैं 10-10 बार भी ऐसा ही होता है सेम। 6th time जब प्रेगनेंट थी, किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च में एंटर हुए, मास प्रेयर रिसीव की, घर गए, प्रेयर रिसीव करने के बाद मम्मा सपने में आई कि ले हैंड हुआ, मैं तुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। सपने चेंज हो गए। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरी 9 month कंप्लीट हुई, प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, बेबी बॉय हाथ में है। अब सुनो, अब ऐसा क्या हो गया बहन जी? आप वही खाती थी जो पहले खाती थी? हाँ जी। वही पहनती थी जो पहले पहनती? हाँ थी जी। वही रहती थी? हाँ जी। कि इंग्लैंड में जाकर रहने लगी? वही रहती थी ना? हाँ जी। क्या हो गया ऐसा? खाना नहीं बदला, कपड़े नहीं बदले, जगह नहीं बदली, पर कर्स ब्लेसिंग में बदल गया जब जीसस में आए। अब सुनो मेरी बात, अब इसको कोई बताओ कि तू यीशु मसीह को नहीं मानेगी, देखो भी डंडे पड़ते तुमको। अगली बताएगी, भाई साहब मैंने अपने 5 बच्चे मरते हुए देखे। जो जो माता पिता है ना, उनको पूछो कि उनके बच्चे को फिंसी भी होती तो क्या लगता है उनको। और जो वुमेन है, जो बहन है, उसको पूछो जब मिसकैरेज किसी को होता है तो क्या फील होता है।
मेंटल टॉर्चर मैंने लेडीज को मेंटल होते देखा है जब मिसकैरेज होते हैं उनके। 5 बार सेम चीज, थर्ड मंथ सपना, ब्लीडिंग, डॉक्टर, हार्ट बीट खत्म, बच्चा निकाल के बाहर, मर गया। एक बार मर गया, चलो कोई बात नहीं, कुदरत है, हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, इत्तेफाक हो गया, गंदा सपना आ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार इत्तेफाक हो गया, तीसरी बार भी इत्तेफाक, फिर चौथी बार भी, फिर पांचवी बार भी, यीशु मसीह है, परमेश्वर है, आपको बता रहा हूं। शैतान है कि नहीं है? है ना? उसने तो नहीं देखा मैं 5 बार इसके लाइफ में मैं खराब करके आया हूं, मैं 6वीं बार उसे छोड़ दूं। वो निर्दयी है ना, और यीशु मसीह दयावान, वो मारने आए, वो बचाने आए, शैतान खत्म करने आए, यीशु मसीह जीवन देने आए। देखो हजारों टेस्टमनी वेट कर रही है पीछे, लेकिन क्या इससे बड़ी टेस्टमनी है कोई सुनने वाली, कि एक माँ जो 5 बच्चों को मरता हुआ देख चुकी है, और जस्ट कोई बताता है कि बहन 6 टाइम तुम प्रेग्नेंट हो, आओ हम मैं तुझे खामरा चर्च लेके चलती। आप सुना मेरी बात, कोई खामरे में स्पेशल बाबा नहीं बैठा हुआ जिसके पास शक्ति है, क्योंकि लोगों को मालूम होता नहीं, ना तो वो मीटिंग सुनते हैं, कुछ भी बकते हैं। यहां किसका प्रीच होता है? मैं आपको किसके वचन से सुनाता हूं, किसकी प्रेयर करता हूं, किसके नाम से करता हूं, तो काम कौन करता है? अब इसको कोई कहो कि तू यीशु मसीह को नहीं मानेगी, फिर मैं देखता हूं तुमको ये क्या कहती। हालेलुया। अब चर्च आने से क्या हो गया? मैं कहता हूं छोड़ दो सपनों वाली बात, छोड़ दो, तुम जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, सपनों की बात छोड़ दो, कि सपने आते, छोड़ दो इस चीज को। 5 बच्चे मर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था, चर्च में आगे हुआ। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? हालेलुया। सुनो मेरी बात, प्रेयर, हीलिंग, डिलीवरेंस अंधविश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास है। अंधविश्वास नहीं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, कोई अनपढ़ बंदा नहीं हूं, जैसे आप, जैसे कोई भी कुछ भी बोल देगा तो मैं उसे मान लूंगा, मुझे मालूम है मैंने क्या देखा है, मैं क्या देख रहा हूं। और कोई भी इस विषय पर बहस करने के लिए अगर तैयार है तो मैं तैयार हूं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसके काम साबित करते हैं वो जीवित है।